नेता प्रतिपक्ष अभय सिंह चौटाला ने पत्रकारों से बात करते हुए SYL मुद्दे को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। अभय सिंह चौटाला ने कहा है कि SYL मुद्दे को लेकर इनेलो फिर से जेल भरो आंदोलन करेगी और इस बार ये तय किया गया है कि जब तक SYL का पानी नहीं मिलता तब तक इनेलो के विधायक, राज्य स्तरीय पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी और अन्य सीनियर नेता जेल की सलाखों के पीछे ही रहेंगे। अभय चौटाला ने कहा कि पिछले करीब 18-19 महीनों से लगातार राज्य और केंद्र सरकार से SYL के पानी की मांग की जा रही है, लेकिन सरकार किसानों के हित के लिए गंभीर नहीं है। ऐसे में इनेलो अब SYL को लेकर अपना संघर्ष तेज करेगी। वही इस दौरान अभय चौटाला ने सांसद राजकुमार सैनी संबंधी सवाल पर मीडिया को सैनी का फोबिया होना बताया। वही मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा युवाओं को रोजगार ना दे पाने वाले बयान पर अभय सिंह ने नौकरी ना देने पर मुख्यमंत्री को इस्तीफा देने की बात कही। कांग्रेस ने जैसे सिपाही के ऊपर राजनीति करी लंबे समय तक, भाजपा भी उसी राय रास्ते पर चल करके इस पानी को राजनीति की भेंट चढ़ाना चाहता है। हरियाणा प्रदेश चौधरी देवीलाल के अथक प्रयास से बना हुआ है और आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे प्रदेश के हक में है। अगर हम इस फैसले को लागू करवाने में अगर कोई कोताही करते हैं तो फिर चौधरी देवीलाल की आत्मा को ठेस पहुँचती है। अब हमने जेल भरो शुरू कर रखा है। कल तो भिवानी में परसों जो गिरफ्तारियां दी थी तब तो चलो हमारे साथियों को उन्होंने डिटेन करके रिलीज कर दिया, लेकिन अब अगला जो है 4 तारीख से लेकर के 30 जून तक के जो हमारे कार्यक्रम हैं उनमें 100% हमारे 500, 700 पार्टी के जो कर्मठ जो हमारे बूथ स्तर के लोग हैं जिनकी जिम्मेवारियां हमने अलग अलग जगह पर लगा रखी है वो सारे के सारे वहीं के लोकल नेतृत्व में, वहाँ का चाहे MLA होगा, चाहे पार्टी का जिला का प्रधान होगा, चाहे हमारी पार्टी का कोई दूसरा साथी सीनियर होगा, उसके साथ मिलकर के और तब तक जेल की सलाखों के पीछे रहने का काम करेगा जब तक हमें SYL नहर का पानी नहीं मिल जाए। सरकार की तरफ से कोई ठोस आश्वासन नहीं आ जाएगा। हम और बसपा मिल करके अब इस न्याय आंदोलन को, इस पानी के मुद्दे को लेकर के सांझी लड़ाई लड़ेंगे, सरकार को मजबूत करेंगे। आपने एक थर्ड फ्रंट की बात की, थर्ड फ्रंट में और कौन कौन सा है? आप मान के चलो जितने भी गैर भाजपा गैर कांग्रेसी शामिल हो जाऊँ, हम ऐसे लोगों को किसी कीमत पे अपने इस तरह के लोगों को अपनी पार्टी में या गठबंधन में कहीं शामिल नहीं करेंगे जो प्रदेश का आपसी भाईचारा खराब करने में लगे। सीएम मनोहर लाल का बयान आया कि प्रदेश में बहुत सारे युवा बेरोजगार हैं, हम सारों को नौकरी नहीं दे सकते। चुनाव से पहले वादा किया था कि बेरोजगार युवाओं को नौकरी दी जाएगी, तो वायदा क्यों किया जब नौकरी दे ही नहीं सकता, उसके बस का ही नहीं है। तो फिर जो वायदा किया था या तो उसको पूरा करे, नहीं वायदा पूरा होता तो फिर इस्तीफा दे। बसपा जो तुम्हें फायदा होगा तो फिर तुम्हारे मरोड़े किस बात की, फिर तकलीफ किस चीज की, तुम फायदा उठाओ। इंडिया एक्सप्रेस के लिए फतेहाबाद से केंद्र मोगा की रिपोर्ट।